Hello, all my viewers. Welcome back to my channel. And today I'm going to solve this question of J Advanced 2019. And the question is from conservation momentum. और अभी तक का इस चैप्टर का आया हुआ है, बिलीव ये सबसे टफेस्ट सवाल होगा. तो ये समझते हैं इसको और इसे करने की कोशिश करते हैं. और हम समझते हैं इसको, फिर इसको प्रोसीड करेंगे कि कैसे करें इसको. क्वेश्चन समझते हैं पहले. ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन साइड ए हैवी हॉलो एंड स्ट्रेट ट्यूब अलॉन्ग अ ट्यूब एक्सिस अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन एट टू एंड्स. एक पार्टिकल बार बार इन दो एंड्स पर इलास्टिक कोलिजन कर रहा है ट्यूब के अंदर. नाउ द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन, इट इज क्लोज एट वन एंड, यहाँ से क्लोज है बाय फ्लैट सरफेस, वाइल अदर एंड इज फिटेड विद अ हैवी मूवेबल पिस्टन. ये पिस्टन है जो मूव कर सकती है. व्हेन डिस्टेंस ऑफ पिस्टन फ्रॉम ट्यूब इज एल नॉट, द डिस्टेंस एल नॉट है, पार्टिकल स्पीड दर थी आपको वी नॉट. द पिस्टन इज मूव इनवर्ड एट वेरी लो स्पीड वी, पिस्टन बहुत कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है वी स्पीड से, सच दैट जो वी है वो इधर रखा है आपने, बहुत छोटा है. व्हाइल डीएल इज द इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, डीएल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है. तो ऑप्शन वन कह रहा है कि पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय फैक्टर फोर समथिंग लिखा हुआ है, उसको बाद में पढ़ेंगे. पहले ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, बी को प्रोसीड करते हैं. बी कह रहा है आफ्टर ईच कोलिजन विद पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीज बाय 2b. ये समझते हैं. तो बात करते हैं पहले बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है. तो बिफोर कोलिजन जो पार्टिकल है उसकी स्पीड आपके पास ये है वी नॉट है, और ये कुछ भी मान लें इसको, अगर मैं स्मॉल भी बोल देता हूँ, जो पिस्टन है उसकी स्पीड कुछ कैपिटल भी है. कि आफ्टर बात करते हैं बाद में क्या हो रहा है. बाद में जो स्पीड है इस पार्टिकल की वो पीछे की तरफ मान लेते हैं वी वन, और पिस्टन तो बहुत हैवी है, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट ही रहेगी, बहुत हैवी पिस्टन है ये हमको दे रखा है, उसकी स्पीड अपनी ये हैवी पिस्टन गिवन है, उसकी स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस छोटे से पार्टिकल से इसको, तो वी की जाएगा. अब ई समझते हैं, ई क्या होता है. ई होता है वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू वन. हम एक कन्वेंशन मान लेते हैं कि भाई जो पीछे की तरफ है इस साइड वो पॉजिटिव मान लेते हैं और इस तरफ हम नेगेटिव मान लेते हैं. तो यहाँ पे जो वी टू यू टू होता है ये होता है दूसरी बॉडी की स्पीड. तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिखेगा ये वी यू टू है, और ये जो दिख रहा है ये दिख रहा है ये वी टू है. तो आपको ये दिख रहा है दिस इज यू वन, नेगेटिव बोल देते हैं बिकॉज आगे की तरफ नेगेटिव मान रखा है हमने, और ये दिखेगा दिस इज बाद में कितना होगा. पुट करना शुरू करते हैं. सो वी माइनस वी वन अपॉन माइनस वी माइनस ई वन, तो वी माइनस वी वन इक्वल टू माइनस वी. तो वी वन इज इक्वल टू वी प्लस टू कैपिटल. ये थी पार्टिकल की स्पीड पहले और ये थी पिस्टन की स्पीड. अगर देखें एक कोलिजन के बाद तो जितनी भी इसकी स्पीड रहेगी पार्टिकल की उसमें टू भी ऐड हो जाएगा हमेशा. दैट मींस कि हर कोलिजन के बाद स्पीड इसकी टू भी हो जाएगी. वी वॉज द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टू भी इसमें ऐड हो गया, तो हर बार टू भी बढ़ जाएगी. तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है. अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ. सी कह रहा है कि इफ द पार्टिकल पिस्टन मूव्स इनवर्ड डीएल, अगर पिस्टन डीएल मूव किया डिस्टेंस पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय दिस, तो ये चेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि हर हर कोलिजन के बाद टू भी बढ़ जानी है स्पीड, ठीक है. तो डीएल डिस्टेंस मूव करने में कितने कोलिजन हो जाएंगे, अगर हम वो निकाल पाए तो हमारा काम हो जाएगा. मैं दोबारा बोलता हूं, हर कोलिजन के बाद पार्टिकल की स्पीड टू भी बढ़ जाती है और हमें निकालना है कि जब ये डीएल मूव कर जाएगा तो कितनी बढ़ चुकी होगी. तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए, नंबर ऑफ कोलिजन ये हमको निकालना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे कुछ चीज, ठीक. तो पहले देखते हैं कि टोटल टाइम कितना है. तो टोटल टाइम कितना आपके पास, टोटल टाइम भाई डीएल डिस्टेंस मूव किया पिस्टन ने, स्पीड पिस्टन की वी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टोटल टाइम है. अच्छा ये देख लेते हैं टाइम ऑफ वन कोलिजन कितना है. टाइम ऑफ वन कोलिजन तो
पार्टिकल जा रहा है इस ट्यूब में, पार्टिकल की स्पीड को मैं वी मान लेता हूँ, ये स्पीड वी है जो लगातार बदल रही है, तो डिस्टेंस ये वाला जो आपके पास, इसको हम एल बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो पास वो एल गिवन है, तो वी स्पीड से जा रहा है पार्टिकल। तो मान लो एक बार पार्टिकल ने यहाँ चलना शुरू किया इस तरफ से, अपनी स्पीड वी जो भी थी उसके पास, तो ये जाएगा यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है, इलास्टिक क्लोजन हो रहा है इसका। तो ये कुछ जो इसके जाने आने का टाइम है वो टाइम इसका है 2L/V, ये वी वेरिएबल है, ये पार्टिकल की स्पीड जो वेरी कर रही है लगातार, ठीक है। तो एक कोलिजन जो है वो 2L/V टाइम में हो रहा है, L/V जाने का, L/V आने का डिस्टेंस स्पीड, तो इतने में टाइम में कोलिजन हो रहा है। हालांकि L भी बदल रहा है, लेकिन मैंने किसी इंस्टेंट पे लिखा, किसी इंस्टेंट पे लेंथ इसकी L है और किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड भी है, ये दोनों इंस्टेंट्स पे, ठीक है। तो टोटल टाइम पता है, एक कोलिजन का टाइम पता है, तो आप नंबर कोलिजन निकाल सकते हो कितना होगा। दिस इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ वन कोलिजन इक्वल टू टी एल बाय टी इनटू टू एल, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ कोलिजन आ गया, ये दोनों में किसी इंस्टेंट पे लिखे हैं, ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक। तो अब देखते हैं कि पार्टिकल की स्पीड कितनी बढ़ गई होगी, हर कोलिजन के बाद 2 भी बढ़ती है, लेट सपोज 2 कोलिजन हो गए तो 4 भी हो जाएगी, 3 के बाद 6 भी हो जाएगी। वैसे ही अगर मुझे को निकालनी की कितनी बढ़ जाएगी, तो स्पीड इंक्रीजेस बाय बाय नंबर ऑफ कोलिजन इनटू 2 भी, भाई 2 हो गए तो 4 भी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितना है, दिस इज इक्वल टू डी एल टी बाय वी इनटू 2L इनटू 2V, इस वी से भी कट गया, इस 2 से 2 भी कट गया, तो ये निकल के कितना आया, निकल के आया डी एल बाय एल इनटू वी, जो आंसर है वो ये दे रखा, 2 2 आ रहा है यहाँ पे, 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दैट मींस कि ऑप्शन गलत, अगर 2 ना होता तो भाई ठीक हो जाता, और ये स्मॉल वी भी था, पार्टिकल स्पीड तो बिल्कुल ठीक था, ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ये कह रहा है रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन, रेट मतलब ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, बिकॉज इसके आप यूनिट चेक कर सकते हैं, ये स्पीड अपॉन डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये टाइम फॉर वन मतलब ये बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/टाइम, कि भाई एक का टाइम कितना है, तो ये आना चाहिए कुछ वी बाय 2L, बस ये वी बाय एल का रहा है, ये भी गलत है बिल्कुल ही, बिकॉज ये हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी किससे हो रहा है, तो जितना टाइम पीरियड पता है आपको, भाई इस टाइम पीरियड में एक बार उसको आप टी बोल सकते हैं, तो 1/T बोल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत है। अब ऑप्शन बचा ए, अब ए ऑप्शन के लिए फिर से हमको काफी सारा काम करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन कह रहा है, और ये ऑप्शन थोड़ा और भी के पास क्रिटिकल है, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय फैक्टर 4 व्हेन द पिस्टन मूव इनवर्ड फ्रॉम L0 to L0/2, ये 4 गुना बढ़ गई होगी जब ये इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो हम इससे ये तो निकाल ही चुके हैं इस पार्ट से, यहां से देख के, कि जो डी वी होगा दैट इज इक्वल टू डी एल बाय एल इंटू वी, सो डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी एल बाई करेक्ट। अगर मैं यहां पे देखूं, तो अगर मैं साइन देखूं प्रॉपर, तो जो एल है एल डिक्रीज कर रहा है, एल इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स कि जो डी एल होगा वो नेगेटिव आएगा, और ये स्पीड तो पार्टिकल लगातार बढ़ रही है, ये टर्म पॉजिटिव है, दिस टर्म इज पॉजिटिव और दिस टर्म इज नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है, दैट मींस कि हमको यहाँ पे एक साइन नेगेटिव का और लाना पड़ेगा, बिकॉज ये टर्म नेगेटिव है, एल कम हो रहा है और वी बढ़ रही है, तो पॉसिबल नहीं, एक बार नेगेटिव लगा दिया ताकि साइन का सेट हो जाए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ये ना करे तो भी चलेगा। अब समझते हैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक को देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है आपके पास
हमें ये चेक करना है हाफ एम वी स्क्वायर, ग्रांट एरिया 4 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा तो उसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर लूँ, ठीक है, हाफ एम कॉन्स्टेंट है, 2v इंटू डी वी, मैं निकाल रहा हूँ कि कितने फैक्टर से बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि मैंने डी के चेंज निकाल लिया, दिस ये सारा चेंज डिफरेंशिएट करने के बाद। अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 को 1 से, तो डी के बाई के इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, हाफ एम कट जाएगा, 2 बाई dv बाई, और जो आपके पास डीवी बाई वी है वो आपको पता ही है यहां से, तो दिस इज इक्वल टू -2 dl/l, करेक्ट। सो दिस इज डी के बाई के इज इक्वल टू -2 dl/l। अब कर लेते हैं बोथ साइड इंटीग्रेट, दिस इज इक्वल टू ln के इक्वल टू -2 ln l + c, ln के इक्वल टू ln प्लस कर लेते हैं इसको 2 ln इक्वल टू c, ln के हो जाएगा प्लस ln l² इक्वल टू c। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ln kl² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे k इंटू l² है वो कॉन्स्टेंट है, ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी और जो लेंथ का प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है। अभी कह रहा है कि जो लेंथ है वो l0 से l0/2 हो गई, मतलब पहले लेंथ l0 थी तो काइनेटिक एनर्जी k थी, अब लेंथ l0/2 हो गई तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, ये आप चेक से कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। तो अगर आप लिखें कि भाई k और ये l0 था, बाद में k1 हो गया, ये l0/2 हो गया, स्क्वायर कर दें तो वो k1 मिल जाएगा 4k। दैट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब 4 गुना बढ़ जाएगा, ये हम यहाँ से पा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोसीड किया है इसको, तो आई बिलीव कि आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा ये टिपिकल तो है लेकिन मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है आसान तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप इसको वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।